तो यार गाइस, आपने छठी क्लास, सातवीं क्लास, आठवीं क्लास, नौवीं क्लास, दसवीं क्लास और यहाँ तक कि ग्यारहवीं और बारहवीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब अम्ल को यदि नीले लिटमस के पत्र के अंदर डालते हैं तो उसका रंग चेंज होता है, और जब सारंग को लाल लिटमस पत्र के अंदर डालते हैं तो उसका भी रंग चेंज हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हमने बना दी है पिछले वाले वीडियो के अंदर, जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कुछ नया करेंगे और वो नया करेंगे अम्ल और सार के द्वारा। दोस्तों, आपने छठी क्लास से लेकर टेंथ क्लास और टेंथ क्लास के बाद में हाई लेवल की क्लास के अंदर आपने देखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा कि जब अम्ल और सार के बीच में अभिक्रिया कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, मतलब उसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि जो अम्ल होता है ये सार के गुणों को डिसक्वालीफाई कर देता है, अर्थात उदासीन कर देता है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे कि वास्तव में ये चीज़ होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे आशीष भाई को बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही अच्छी मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइज, यूं तो लेप के अंदर बहुत सारे सार और अम्ल प्राकृतिक रूप से नहीं होकर मानव द्वारा बनाए हुए कृत्रिम रूप से पाउडर के रूप में लिया जाता है, लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने प्राकृतिक रूप से अम्ल और सार लिए हैं। हमने लिया है एक गिलास के अंदर नींबू का रस, जो है अम्ल, यह प्रकृति के अंदर खट्टे पदार्थ के रूप में उपस्थित है, अर्थात यह अम्लों के ग्रुप में आते हैं। दूसरा गिलास हमने लिया है साबुन का घोल। दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें हमने प्राकृतिक रूप से बनाई है, हमारे पास लेप की कोई ऐसी टेक्निक नहीं है और हमारे पास संसाधन भी बहुत कम है, लेकिन कम संसाधन में बहुत अच्छा प्रयास आपको करके बताएंगे। दोस्तों, हमने ये लिया है छोटे बच्चों को दूध पिलाने का उपकरण, इसके द्वारा हम आपको छोटे स्तर पर बताएंगे कि इसमें क्या रिएक्शन होता है, फिर बड़े स्तर के आधार पर बताएंगे कि इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, हम लेंगे 10 बार इसमें से बूंदे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों, हमने 10 बार इसमें से ले लिया है, 10 बार इस सारे के अंदर से लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। दोस्तों, हमने 10 इसमें से ले लिया है, 10 इसमें से ले लिया है। अब हम आपको बताएंगे इसको घुमाकर कि क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, ये देखो, इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे नींबू और साबुन एक साथ घुल गए हैं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने आपको बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट बताए जिसमें इसका रंग चेंज हो गया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर इसका रंग चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अम्ल है और ये क्षारक है। जब अम्ल और सार अभिक्रिया करते हैं तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, मतलब ना तो उसमें रंग का चेंज होता है ना प्रकृति का चेंज होता है। दोस्तों, अब हम इन दोनों को इस ग्लास के अंदर डालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या रिएक्शन होता है। दोस्तों, आपने देख लिया है इस गिलास का रंग जैसे दूध का हल्का सफ़ेद रंग हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसका रंग चेंज हो गया है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। जिस प्रकार नीले लिटमस को हम अम्ल या सार में डालते हैं तो उसका रंग चेंज लाल हो जाता है, और जब लाल लिटमस को अम्ल या सार के अंदर डालते हैं तो उसका रंग भी अलग प्रकार से दर्शाता है, अलग प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया, आपने लाइव प्रूफ देख लिया कि किस प्रकार अम्ल और सार के बीच में अभिक्रिया होती है तो किस प्रकार रिएक्शन होती है, और
तीसरे इंटरग्रेंट या फिर तीसरे प्लस के अंदर किस प्रकार का पदार्थ बनता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अम्ल और क्षार की अभिक्रिया आपने आज दिन तक पढ़ी है लेकिन आपने लाइव प्रूफ देखा नहीं होगा, ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर इतने बहुत ही संसाधन सरकार के द्वारा इतने संसाधन उपलब्ध नहीं किए जाते। हाँ, अभी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो चुके हैं और ऐसी विद्यालय हो चुकी है जहाँ पर लैब का कार्य शुरू हो चुका है, ये बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक लैब नहीं पहुँची है वहाँ तक इस वीडियो को आप पहुँचा दो, शेयर कर दो, कमेंट बॉक्स में बता दो। और इसी के साथ साथ हमारे इस चैनल को आशीष एंड खुशीराम को एक्सपेरिमेंट आशीष एंड खुशीराम एक्सपेरिमेंट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इसको इस चैनल के ऊपर कुछ ऐसे नए एक्सपेरिमेंट आपको कर बताएं जो होते ही नहीं है, या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जो दूसरों ने किया है और उसी एक्सपेरिमेंट को हम दोबारा करते हैं कि वास्तव में ये चीज़ होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम आप तक पहुँचाएँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने ज़िंदगी में मस्त रहिए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए राम राम।